All the characters in the movie are just imaginary one. Don't take them on your heart. This movie is made only for sharing good habits in society, entertaining others. No any animals or human has been forced to work in this movie. If you are eating anything while watching this movie or any movie, please throw the packet or box of that stuff in the dustbin only. और हाँ, टोबैको से बहुत गंदी वाली बीमारी होती है. Stay far from it, क्योंकि आपके अपने आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है. तुम्हारा नाम क्या है? सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? खजूर. ओ, आदित्य का कॉल. हेलो हेलो. हाँ आदित्य. हाँ अर्जुन, कहाँ हो? कब तक आ रहे हो? हाँ भाई, मैं सिर्फ 2 मिनट में आ रहा हूँ. ठीक है, जल्दी आओ. बाय बाय. पार्टी के लिए ड्रेस ले ली प्रिंसी तूने? नहीं यार. तो मार्केट से पहले हम घर पर मिले. तुम सब आ रहे हो ना मेरे घर पर? क्यों नहीं. कहाँ जा रहे हो? काजल और मैं मार्केट जा रहे हैं. अंजलि, तुम भी चलोगी? अरे अर्जुन, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखे. कहाँ थे इतने दिनों से? भाई, मैं यहीं पे तो था. तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. चलो जरा आगे चलते हैं. चलो. भाई अर्जुन, मुझे तो हंसी आती है आजकल की प्रेजेंट गवर्नमेंट सिचुएशन को लेकर. एक आती है, एक जाती है, और कहती है कि अच्छे दिन आएंगे. क्या खा कैसे अच्छे दिन आएंगे? तुम सही बोल रहे हो भाई. हंसी तो आती है, पर गवर्नमेंट पर नहीं, खुद पर. क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें सारी सुविधा दे दी है, पर हम लोग उसका मिसयूज करते हैं. तो आज शाम में चलें ड्रेस लेने के लिए? हाँ, मैं भी चलूंगी. टाइमिंग क्या है? 5 o'clock. 2 मिनट. हाँ, मेरा कॉल आ रहा है. चलो मिलते हैं. हाँ, हम लोग ना मार्केट जा रहे हैं. हाँ, तो मार्केट से पहले हम घर पर मिले. हाँ, तुम सब आ रहे हो ना मेरे घर पर? बहन, कचरा मत करो ना, मेरा बापू मर जाएगा. अंजलि, देखना ये पागल. नहीं, क्यों बे, लड़की को देख के छेड़ रहा है? रुक साले, आओ हम सब मिलके इसे सबक सिखाएं. आ आ आ, मत मारो मत मारो, छोड़ो छोड़ो, मत मारो मुझे, मत मारो. आ आ, अरे रुक जाओ, मत मारो उसे, मत मारो. आज छोड़ रही हूँ, फिर कल देखती हूँ. क्या हुआ जी, आप बड़े परेशान लग रहे हो. सब कुछ ठीक तो है? आज एक पागल लड़का मिला था. वो पागल जैसा दिख तो नहीं रहा था, पर उसे कुछ तो हुआ है. मैं तान्या को कॉल करके देखती हूँ, शायद अर्जुन ने उसे कुछ बताया हो. हेलो. हाय सौम्या. कैसी है तान्या तू? क्या अर्जुन ने तुझे कुछ बताया? हाँ, वो एक पागल लड़के के बारे में बता रहा था, जो पागल जैसा लग नहीं रहा था, लेकिन वो सारे कचरा फेंकने वाले लोगों को कह रहा था कि कचरा मत फेंको ना, वरना मेरा बापू मर जाएगा. वही तो मैं सोच रही थी कि कोई पागल ऐसा क्यों बोलेगा. तू कहे तो कल सुबह हम उसे डॉक्टर के पास ले चले. हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही है. हम कल सुबह ही उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और मैं एक अच्छे से डॉक्टर को भी जानती हूँ. चलो इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं. हाँ चलो. चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं. डॉक्टर अभिमन्यु, क्या आप घर पर हैं? हाँ, कौन? आइए आइए, अंदर आइए. पेशेंट को इधर बैठा दीजिए. हेलो डॉक्टर अभिमन्यु, तान्या ने आपसे एक मेंटल पेशेंट के बारे में बात की थी, जो पागल दिखता तो है पर वो पागल है नहीं. ठीक है, मैं देखता हूँ.
चलो जीभ दिखाओ। अरे जीभ दिखाओ। अच्छा ठीक है, आंखें दिखाओ। अरे उधर नहीं, इधर इधर। अरे इधर दिखाओ आंखें। अरे आंखें दिखाओ। अरे दिखाओ, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ओहो, ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा, अब आप ही समझाइए। तुम्हें तुम्हारे पापा से नहीं मिलना, तो फिर इनकी बात मान लो। जीभ दिखाओ। हाँ ठीक है, आंखें दिखाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। इसके जीवन के कुछ बुरे हादसों ने इसे ऐसा बना दिया है, और अब इसके पागलपन का पता लगाना पड़ेगा। चलो मेरी ओर देखो। चलो मेरी ओर देखो। हाँ मेरी ओर देखो। हाँ मेरी ओर देखो। तुम्हारा नाम क्या है? सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? खजूर। तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरा भी एक परिवार था, हम गरीब थे, पर हमारे परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। आओ मिलो, सीलो सालो, कच्चा धागा रेस लगा लो। बापू आ गए, बापू आ गए, बापू आ गए। बापू मेरे लिए क्या लाए हो, खिलौना? नहीं बापू, आप मेरे लिए क्या लाए, जूते और कपड़े? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं दोनों के लिए लाया। पहले अंदर तो चलो। खजूर बेटा, क्या पढ़ रहे हो? बापू मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा पढ़ो। ये है मेरा बापू, रोज कूड़ा बीनने जाता था, जैसे तैसे कूड़ा बीन बीन के हमारा पेट पालता था। और उसका सपना था कि हमारा कोई भी सपना अधूरा ना रहे। अरे सुनती हो खजूर की माँ, जरा एक कप चाय तो लाओ। और ये है मेरी माँ, माँ का दिल बहुत बड़ा था, ये हमारा पेट भरने के लिए खुद भूखी रह जाती थी। जी लेकर आई। क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं जी, कोई क्या बोलेगा, हम दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम अपने बच्चों की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। अरे बच्चों इधर आओ, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम अपने बच्चों के सारे सपने पूरे करेंगे और उनके सारे ख्वाहिश पूरी करेंगे। माँ मत रो, माँ आप दोनों इस दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हो। आओ मेरे बच्चों आओ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे परिवार को, मेरा बापू बीमार पड़ गया। क्या हुआ जी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चांदनी, पूनम, खजूर, देखो बाबा को क्या हुआ। बापू क्या हुआ, बापू उठो ना, बापू बापू उठो ना, बापू क्या हुआ आपको, बापू उठो ना। भाइयों कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरे पति को बचाओ, भगवान के लिए कोई तो मेरी मदद करो। और फिर अंधविश्वास के कारण मेरी माँ एक बाबा के बहकावे में आ गई। हे भगवान, मुझे अभागन से ऐसी क्या गलती हुई जिसकी सजा आप मेरे पति को और मेरे बच्चों को दे रहे हैं। भगवान मेरे पति को ठीक कर दीजिए, हमें बेघर होने से बचा लीजिए भगवान। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। बाबा मेरी पति की तबीयत ठीक नहीं है, अब आप ही कोई उपाय बताइए। ये लो हिमालय की बूटी, अपने पति को खिलाना, वो ठीक हो जाएंगे। धन्य हो बाबा, आपकी जय हो। मेरे पैसे ये लो बाबा। ओम नमः शिवाय। अरे क्या हुआ जी आपको, क्या हुआ बापू? बापू क्या हो गया, बापू क्या हो गया, बापू क्या हो गया, बापू को बापू क्या हो गया, बापू उठो ना, बापू क्या हुआ आपको, बापू उठो ना। तुमने अपने बापू का इलाज क्यों नहीं करवाया? जहाँ दो वक्त की रोटी हमें ठीक से नसीब नहीं होती थी, हम वहाँ बापू का इलाज कैसे करवाते?
और फिर? माँ मत रो माँ, माँ आपको क्या हुआ माँ? माँ चुप हो जाओ ना। माँ तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ माँ उठो ना माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ माँ कुछ बोलो ना माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ भैया माँ और बाबा नहीं रहे, अब हम क्या करेंगे बताओ ना भैया। हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे माँ बापू दोनों हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा? और तुम्हारी दोनों बहनें, उनका क्या हुआ? माँ बापू के सदमे ने उन दोनों को भी निगल लिया और उन दोनों ने नदी में कूद के अपनी जान दे दी। तो ये थी इसके जीवन की कहानी। अब हम जिंदगी में कभी कचरा नहीं फैलाएंगे, वही है इसका इलाज। थैंक यू डॉक्टर फॉर हेल्पिंग अस। इट्स ओके। रुको भैया रुको, गाड़ी रोको गाड़ी।